आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे करोड़ों रुपए वापस दिलाने के लिए बिलासपुर जिला के निवेशक एकजुट हुए। पैसा वापस दिलाने की मांग को लेकर निवेशकों का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश एससी वेलफेयर बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य दिनेश कुमार की अगुवाई में डीसी कार्यालय पहुंचा और तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण, केंद्रीय को ऑपरेटिव एवं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी 21 वर्षों से पूरे देश में कार्यरत है। देश भर में सोसाइटी की 809 ब्रांचों में लगभग 21 लाख निवेशक एवं 4 लाख एडवाइजर के साथ 5000 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश में भी इस सोसाइटी की करीबन 20 ब्रांचें काम कर रही थी तथा जिला बिलासपुर की ब्रांच में करीब 10,000 लोगों का करोड़ों रुपए का निवेश एडवाइजरों के माध्यम से करवा रखा है। सोसाइटी दिसंबर 2018 में सोसाइटी दिसंबर 2018 तक सुचारू रूप से कार्य कर रही थी और पिछले 20 वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि संस्था द्वारा पूर्ण अवधि दावों का भुगतान समय पर न किया गया हो। लेकिन करीब 2 वर्ष पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने इस सोसाइटी की कार्यशैली पर कुछ आपत्तियां उठाते हुए इसके कामकाज पर रोक लगा दी है। सरकारों द्वारा कामकाजों पर रोक से निवेशकों का करोड़ों रुपए फंस गया है। सोसाइटी में अधिकतम गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की राशि का निवेश है व इस समय सभी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने जीवन काल की बची जमा पूंजी का पैसा इसी सोसाइटी में लगा दिया था जिससे उन्हें प्रति महीना पेंशन भी मिलती थी। लेकिन इस समय निवेश की राशि का भुगतान ना होने के कारण कुछ निवेशक अपना जीवन काल समाप्त करने का प्रयास भी कर चुके हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि निवेशकों ने सोसाइटी में लिक्विडेटर हटाकर प्रशासक या नवीन बोर्ड की नियुक्ति कर निवेशकों का भुगतान करवाया जाए और सभी आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व कर्मचारियों ने संस्था को पूर्ण रूप से चालू कर निवेशकों की राशि का जल्द से जल्द भुगतान करवाने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर व कर्मचारियों ने संस्था पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त कर संस्था को पूर्व की भांति सेवा और संचालन की अनुमति प्रदान करने की भी मांग रखी। की जो पूरी 809 से 1999 रूप से रही थी भारत वर्ष में, और अब उसमें जो रेगुलेटर जो है लग दिया है और ये सारा जो लोगों मैं सरकार से कहता हूँ और अपने जो गए हुए हैं उनके से लोग बंदे हैं डीजी को, हरी को, मध्यमी जी को, क्या ऑपरेटिव साइड पर जो भी रेगुलेटर हटा है रेगुलेटर हट लोगों की महंगाई है उसको दिया जाए, उसकी रूप से चुकी जाए। इस में जो है 10 जो है बेसक और करीब 5 करोड़ बना चुकी है। उसमें पूरे भारत में 21 और 4 लाख इसमें कर रहे हैं, 5 अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसमें करोड़ों रुपए का जो है निवेश किया था। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि लिक्विडेटर हटकर नागपुर की सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल माननीय जिला मोहित के मंडे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, वित्त मंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री राग सिंह ठाकुर जी, पूरे भारत जो हरे करीब 21 लाख निवेश हुए हैं